बेटे आज बड़ी देर हो गई तुम्हें आने में। जी वो कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग से इसलिए थोड़ी देर। अब रहा नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं उसे देर लगेगी, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइनल करने थे, उसका ऑफिस में रहना बहुत जरूरी था। दुआ करें ये सारी डील फाइनल हो जाए ताकि कुछ हालात बेहतर हो। मैंने बस एक उम्मीद है जो बंधी हुई है, अल्लाह पाक हमें कामयाब करें। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगी बेटा, लेकिन एक बात कह रही थी तुमसे कि माँ की दुआओं के साथ साथ बीवी की दुआएं भी बहुत जरूरी होती हैं। देखिए अगर आप आफरीन के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। बेटा अल्लाह ताला दरगुजर करने वाले को पसंद करता है। देखिए मैं इंसान हूँ, जो कुछ भी हुआ मैं उसको इतनी आसानी से भुला नहीं सकता हूँ, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं। लेकिन तुम कोशिश तो कर सकते हो ना? हाँ कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं कर सकता। चलो इतना ही सही, तुमने मेरी बात तो सुनी ना। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? आपकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। हाँ बेटा जानती हूँ मैं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ तुमसे दोनों बीवियों में तवाज़ुन कायम रखो, अल्लाह ताला को जवाबदेह भी तो होना है ना बेटा। देखो किस तरह से वो बिलक बिलक के रोती है ना, उससे बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल। प्लीज बेटा मेरे खाते तुम इस झगड़े को और तूल ना दो, बस खत्म करो आपसी झगड़े को। ठीक है जैसा आपको। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? मैं अम्मी को ज्यादा अपसेट नहीं देख सकता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि बात को खत्म ही कर दूँ। यही बेहतर भी होगा क्योंकि इस सब में सिर्फ आफरीन नहीं पूरे घर वाले भी सफर कर रहे हैं। इसकी वजह से महानूर भी बहुत उलझी सी हुई है और मीनू भी बहुत परेशान है। हालात भी कितना मजबूर कर देते हैं इंसान को, ना चाहते हुए भी वो करना पड़ता है जिसके लिए दिल नहीं मानता। दूसरों की खुशी के लिए अगर अपनी मर्जी मानना पड़े तो हंसी खुशी कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा मैं कल शाम में मॉम के घर चली जाऊं? क्यों, कोई खास बात? हाँ वो मॉम मिकाल भाई की शादी करवाना चाह रही हैं तो इसी सिलसिले में कुछ गेस्ट आएंगे। ओ, कांग्रेचुलेशंस। मेरी तरफ से मिकाल को मुबारकबाद दे दूँ। वो मैं सोच रही थी कि अगर आप भी मेरे साथ चलते तो, अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो, मैं फोर्स नहीं करूंगी। खैर हो गई। कब आ रहे हैं गेस्ट? कल 5 बजे तक आ जाएंगे वो। चलो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आ जाऊं। थैंक यू।